यह उपन्यास इंडिविजुअलिज्म की फिलॉसफी पर आधारित है, जो कहती है कि एक व्यक्ति का अपनी आइडियोलॉजी सर्वोपरि होती है। यह कलेक्टिविज्म की फिलॉसफी से विपरीत विचारधारा है। कलेक्टिविज्म के अनुसार सोसाइटी के हित सर्वोपरि हैं। पढ़िए इस रोचक कॉन्सेप्ट के बारे में आयन रैंड के एक और महान उपन्यास में। हावर्ड एक बहुत ही टैलेंटेड आर्किटेक्ट था। उसके सभी कृतियां बहुत ही क्रिएटिव लेकिन अनकॉन्वेंशनल होती थीं, जिसकी वजह से लोगों को वह अजीब लगता था। शीघ्र ही उसे आर्किटेक्चर के कॉलेज से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वह कॉलेज की पुरानी रूढ़िवादी ट्रेडिशंस को फॉलो करने से मना कर देता था। वह सभी डिजाइन्स नियम कानूनों को ताक पर रखकर बनाता था, इसलिए वे सबसे हटकर होते थे। लेकिन कोई भी इस प्रतिभा को नहीं समझ पाता था। सब चाहते थे कि सब लोगों की तरह वह भी भेड़ चाल में चलता रहे। कॉलेज से निकाले जाने के बाद हावर्ड न्यूयॉर्क चला जाता है और वहां हुनरी नाम के एक आर्किटेक्ट की फर्म में काम करने लगता है। हावर्ड हुनरी के काम की तारीफ करता था, क्योंकि उसे डिजाइन्स भी अनकॉन्वेंशनल होते थे। लेकिन इस वजह से हुनरी को भी लोग क्रिटिसाइज करते था और उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चलता था। उधर दूसरी ओर हावर्ड का क्लासमेट पीटर भी न्यूयॉर्क पहुंचता है। वह बहुत ही चापलूस और मस्का लगाने वाला आदमी था। वहां वह एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फर्म को जॉइन कर लेता है, जिसका मालिक फ्रैंकॉन नाम का व्यक्ति था। धीरे धीरे हावर्ड और हुनरी मिलकर बहुत उम्दा स्टाइल के आर्किटेक्चर की इमारतें बनाते हैं, लेकिन वे ना तो किसी की चापलूसी करते थे और ना ही दिखावे में विश्वास रखते थे। उन्होंने कभी भी अपने काम को एडवर्टाइज नहीं किया, इसलिए उन्हें उनके काम का खास क्रेडिट नहीं मिल पाता था। उधर दूसरी ओर पीटर अपनी चापलूसी और मस्का लगाने की प्रवृत्ति के कारण बहुत ज्यादा सफल हो चुका था। कुछ ही सालों बाद वह उस फर्म का पार्टनर भी बन गया, क्योंकि उसने पहले वाले पार्टनर को इतना परेशान किया कि उसे हार्ट अटैक ही हो गया और वह चल बसा। धीरे धीरे हुनरी की फर्म घाटे में जाने लगी और एक दिन उसे फर्म को बंद करना पड़ गया। इसके बाद हावर्ड ने अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया, लेकिन अभी भी वह क्लाइंट्स को अपने डिजाइन से छेड़छाड़ नहीं करने देता था, इसलिए उसके पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं आते थे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। उसे अपने दफ्तर का रेंट देना भी भारी पड़ने लगा। आखिर एक दिन उसने अपना ऑफिस बंद कर दिया। फिर वह कनेक्टिकट चला गया और वहां एक ग्रेनाइट की खदान में मजदूरी करने लगा। कनेक्टिकट में हावर्ड की मुलाकात डोमिनिक नाम की लड़की से होती है। वह बहुत सुंदर और लिबरल विचारों की थी। वास्तव में वह फ्रैंकॉन की बेटी थी, लेकिन वह भी समाज की रूढ़िवादिता को पसंद नहीं करती थी। वह कला को बहुत वैल्यू देती थी। उसे अपने आसपास का आर्किटेक्चर घटिया दर्जे का लगता था। उसमें दिखावट और बनावट ही थी और उसमें कोई सोल नहीं थी। उसके पिता की फर्म के द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चर भी आर्टलेस लगते थे। उसके विचार उसके पिता से मेल नहीं खाते थे, इसलिए वह परिवार से अलग यहां कनेक्टिकट में रहने आ गई थी। एक दिन उसकी मुलाकात हावर्ड से होती है और वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वह हमेशा उसे टीज करती रहती थी और हावर्ड भी समझ नहीं पाता था कि वह क्या चाहती है। एक बार वह उससे मिलने उसके घर आया। बातों बातों में डोमिनिक फिर से उसे टीज करने लगी।
इसके बाद उनमें शारीरिक संबंध हो गए। इस दौरान हावर्ड काफी डोमिनेंट रहा और डोमिनिक ने इसे रेप जैसा बताया, लेकिन यह उसकी छुपी हुई फैंटेसी भी थी। अब वह हावर्ड को और भी चाहने लगी। बहुत से क्रिटिक्स ने इस सीन के लिए इस नॉवल की आलोचना भी की है। अगले दिन वह हावर्ड से मिलने खदान पर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि हावर्ड खदान का काम छोड़कर जा चुका है। दरअसल उसे न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था। इसके बाद डोमिनिक भी न्यूयॉर्क आ जाती है। यहां वह हावर्ड के बारे में पता करती है। उसे उसकी असलियत पता चलती है कि वह एक आर्किटेक्ट है। जब वह उसकी बनाई हुई बिल्डिंग्स को देखती है तो वे उसके दिल को छू जाती थीं। उसका दिल और दिमाग कुछ ऐसी ही कला तो देखना चाहता था जो भीड़ से अलग हो, बनावट से परे हो, एकदम यूनिक। एक दिन डोमिनिक उससे मिलती है। दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलने से फिर से दोनों का प्रेम जागृत हो जाता है और दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से मिलने लगते हैं। लेकिन लोगों के सामने डोमिनिक उसके डिजाइन्स और आर्किटेक्ट की तीखी निंदा करती थी। यह सब वह उसे बचाने के लिए करती थी, क्योंकि अदरवाइज कुछ लोग हावर्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते थे। उधर एल्सवर्थ नाम का एक आर्किटेक्चर क्रिटिक और नेता टाइप का आदमी सत्ता में आने की सोच रहा था। उसका मानना था कि टैलेंट और योग्यता इतनी जरूरी नहीं होती, आदमी में विनम्रता ज्यादा जरूरी है। लेकिन हावर्ड को उसकी ऐसी सोच हास्यास्पद लगी, क्योंकि उसके अनुसार टैलेंट से ही समाज आगे बढ़ा है। सारी टेक्नोलॉजी क्रिएटिव साइंटिस्ट्स की वजह से ही आई है। इतना साहित्य क्रिएटिव और टैलेंटेड लोगों ने ही सृजित किया है। समाज को इन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, न कि उन्हें फोर्स करके विनम्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए न कि उन्हें फोर्स करके विनम्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एल्सवर्थ को हावर्ड अपना प्रतिद्वंद्वी जान पड़ा, क्योंकि वह उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता था। इसलिए उसने हावर्ड की रेप्यूटेशन खराब करने के लिए एक चाल चली। उसने हॉपटन नाम के एक बिजनेसमैन की मदद ली और उसने कहा कि हावर्ड को एक बिल्डिंग बनाने के लिए हायर करे। जब हावर्ड बिल्डिंग बना दे तो उस पर मुकदमा कर दे कि बिल्डिंग बहुत ही इमोरल बनाई गई है। हॉपटन ने ऐसा ही किया। उसने हावर्ड को ह्यूमन स्पिरिट की टेंपल बनाने का काम सौंपा। हावर्ड ने बहुत ही अनकॉन्वेंशनल बिल्डिंग बनाई, लेकिन यह शानदार कला का बेमिसाल नमूना थी। मगर उसके राइवल्स ने बिल्डिंग को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और इसे समाज की मानसिकता के लिए नुकसानदायक बताया। हॉम्पटन ने उस पर मुकदमा कर दिया। शीघ्र ही कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया और न्यूयॉर्क के हर बड़े आर्किटेक्ट ने हावर्ड की बिल्डिंग की निंदा की, क्योंकि वे सब उसके टैलेंट से जलते थे। नतीजतन हॉम्पटन यह केस जीत गया। इससे हावर्ड की आर्थिक हालत फिर से खराब हो गई। यह सब देखकर डोमिनिक अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि यह समाज हावर्ड के टैलेंट के लायक ही नहीं है, यह सिर्फ घटिया और फूहड़ कला ही डिजर्व करता है। इसके साथ ही उसने हावर्ड को चाहने के जुर्म में खुद को सजा दे डाली। उसने पीटर कीटिंग से शादी कर ली। उधर वाइनैंड नाम का एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर का मालिक खूब पैसे कमा रहा था। शुरू शुरू में वह बहुत ही आदर्शवादी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि आदर्शवाद से पैसा नहीं कमाया जा सकता और न ही इज्जत।
इसलिए उसने अपने न्यूज़पेपर में वही चीजें छापना शुरू कर दिया जिसे लोग पढ़ना चाहते थे। एक दिन उसकी मुलाकात डोमिनिक से होती है और वह पहली ही नजर में उसके प्यार में पड़ जाता है। इसके बाद वह उसके पति पीटर से एक डील करता है। वह उससे कहता है कि अपनी पत्नी उसे दे दे और बदले में उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा। पीटर का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और वह इसके लिए मान जाता है। इसके बाद डोमिनिक वाइनैंड से शादी कर लेती है। उसे लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, उसके लिए यह एक कमीने आदमी के बदले दूसरे कमीने के साथ रहने जैसा था। लेकिन धीरे धीरे डोमिनिक देखती है कि वेनेंड अच्छे उसूलों वाला आदमी था, लेकिन उसने खुद को समाज में ढाल लिया था और अपनी आइडियोलॉजी से समझौता इसलिए किया था ताकि वह इस हिपोक्रेटिक समाज में सर्वाइव कर सके। इसी बीच वाइनैंड की मुलाकात हावर्ड से होती है। उन दोनों के विचार एक दूसरे से काफी मिलते थे, इससे वे काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उधर दूसरी ओर पीटर के सुपरफिशियल टैलेंट की पोल खुलने लगती है। उसकी बनाए बिल्डिंग डिजाइन्स में बहुत सी खामियां निकलने लगती हैं। इससे उसका बिजनेस चौपट होने लगता है। वह मदद के लिए हावर्ड के पास आता है और कहता है कि वह उसके लिए कोर्टलैंड होम नाम का पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट डिजाइन कर दे, लेकिन पीटर इसका क्रेडिट खुद लेगा और हावर्ड को वह सिर्फ पैसा देगा। हावर्ड इस डील के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वह पीटर के सामने शर्त रखता है कि उसके बनाए डिजाइन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। पीटर इसके लिए मान जाता है। प्रोजेक्ट पूरा करके हावर्ड गर्मियों में वाइनैंड और डोमिनिक के साथ प्राइवेट यैक्ट पर यात्रा के लिए निकल जाता है। छुट्टियां बिताकर जब वह वापस आता है तो देखता है कि कोर्टलैंड होम्स वाले प्रोजेक्ट में पीटर ने बहुत सारी चेंजेस कर दी थीं। एक रात वह डोमिनिक से कहता है कि वह वॉचमैन को बातों में लगा दे। इसके बाद वह बिल्डिंग में चला जाता है और डायनामाइट से उसे उड़ा देता है। पूरा देश हावर्ड की निंदा करने लगता है। लेकिन अब वाइनैंड की अंतरात्मा कॉन्शियंस जागती है और वह अपने न्यूज़पेपर से कहता है कि हावर्ड को डिफंड करें, लेकिन इसकी वजह से उसके न्यूज़पेपर की बिक्री कम हो जाती है। उसके वर्कर्स भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वाइनैंड डोमिनिक की मदद से न्यूज़पेपर का काम जारी रखता है। लेकिन धीरे धीरे उसे बहुत घाटा होने लगता है। अंत में वाइनैंड हार मान लेता है और वह भी हावर्ड की निंदा करने लगता है। इससे उसके न्यूज़पेपर की बिक्री फिर से बढ़ जाती है। इसके बाद हावर्ड पर कोर्ट में ट्रायल चलता है, लेकिन वह एक बहुत ही भावुक भाषण देता है। वह सबसे कहता है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं, किसी को भी कला की कदर नहीं है, सब एक दूसरे की देखा देखी बनावटी चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे क्रिएटिविटी दम तोड़ देगी और सब कुछ एक जैसे दिखने लगेगा। क्या ऐसा बगीचा अच्छा लगेगा जिसमें सिर्फ गुलाब ही गुलाब हों? धीरे धीरे उन गुलाबों की खुशबू से दम नहीं घुटने लग जाएगा। क्या कुछ जंगली फूल भी वहां हो तो मन को मोहित नहीं करेंगे? क्यों सब कुछ समाज के बनाए नियम और कानूनों में ही बंधा होना चाहिए? सिर्फ कुछ भ्रष्टाचारी लोग इस बात का फायदा उठाते हैं। वे अलग सोचने वाले क्रिएटिव लोगों का शोषण करते हैं और उन्हें अपने इलेक्शन का मुद्दा बना लेते हैं।
लेकिन समाज को अपनी अलग सोच बनानी चाहिए, न कि कुछ नेताओं के पीछे भेड़ चाल की तरह चल देना चाहिए। इसके बाद हावर्ड ने बताया कि उसने कोर्टलैंड होम्स को क्यों उड़ा दिया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पब्लिक हाउसिंग के लिए था, लेकिन पीटर ने फायदा उठाने के लिए कमरों का साइज छोटा कर दिया था। साथ ही उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था जिसमें लिखा था कि उस प्रोजेक्ट में कोई भी चेंज नहीं की जाएगी। यह सब सुनकर जूरी ने माना कि हावर्ड दिल से कितना सच्चा था, और पीटर के घृणित कार्यों की वजह से ही उसे गुस्सा आ गया था। अंत में जूरी ने हावर्ड को सब आरोपों से बरी कर दिया। इसके बाद हावर्ड और डोमिनिक शादी कर लेते हैं। विनैंड हावर्ड से कहता है कि वह एक ऐसी बिल्डिंग बनाए जिसमें आदमी की क्रिएटिव सुपरमेसी परिलक्षित होती हो। हावर्ड इसके लिए सहमत हो जाता है। दोस्तों, नॉवल द फाउंटेन हेड समरी इन हिंदी सुनकर आपको ऑब्जेक्टिविज्म की फिलॉसफी और अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।